नमस्कार आदाब, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम टीपू सुल्तान रोड सर्वे नंबर 129 पर आए हुए हैं। ये जगह इनामी ज़मीन है, सर्वे नंबर 129 ये इनामी ज़मीन है और यहाँ पर कुछ भू माफिया ने प्लॉटिंग निकाल कर बेचने का काम शुरू किया है। ऐसे ही नांदेड़ में कहीं ऐसे जगह है जहाँ पब्लिक को, गरीबों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से इन्हें लेआउट नहीं रहते हुए एक पावर ऑफ अटर्नी के बहाने एक जीपी मारकर इनको प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जो कि इनामी ज़मीन है, वर्ग दो की ज़मीन है, जहाँ पर ग्रीन जोन है। ऐसे कहीं प्लॉटिंग है, हमने बार बार बताया था कि गरीबा जो एक एक रुपया अपनी मेहनत का जमा करते हैं वो इन भू माफियाओं से बचो, मगर लोग जो है लालच में प्लॉट ले लेते हैं और उसके बाद उनको भुगतान होता है। और वो भी जो प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट लेने से पहले पूरी चौकसी करके पूरे पेपर देख के ही लेना चाहिए और रजिस्ट्री ऑफिस, नगर रचना और भूमि अभिलेख, ये सब ऑफिसों में जाकर उनका पूरा सर्वे करके कलेक्टर ऑफिस में, महानगर पालिका में ज़मीन किस तरीके की वो देख कर ये प्लॉट खरीदना चाहिए। आज हम तुमको बताते हैं कि ये सर्वे नंबर 129 है, ये इनामी ज़मीन है 13 एकड़ 9 घंटे। ये इस पर जो है कुछ भू माफियाओं ने रातों रात यहाँ पर मट्टी लाकर प्लॉटिंग का काम शुरू किया है। लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने का काम है और लोग भी जो है इस ले लेते हैं। ये ज़मीन जो है ये सर्वे नंबर 129 ज़मीन है, ये 13 एकड़ 9 घंटे ज़मीन 2007 में मकबूल सलीम साहब उप महापौर थे, उस टाइम में ये ज़मीन को मुस्लिम दफन भूमि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित किया गया था। फिर भी उसके बाद वो यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं बनते हुए ज़मीन जो है इनामी ज़मीन रहते पे भी यहाँ पर प्लॉटिंग का काम चालू है। और यहाँ पर कहीं देख सकते हैं आप कि ये पूरी जो है तो सर्वे नंबर 129 में पूरी ओपन ज़मीन है और यहाँ पर प्ले ग्राउंड और कब्रिस्तान की आरक्षित जगह है। फिर भी उसके बाद महानगर पालिका ने इस ज़मीन को 30 लाख रुपये कब्रिस्तान के निधि तक मंजूर की थी, मगर उसके बाद आरक्षण हट गया है। ऐसा उसके बाद आरक्षण हटा है ये भी मालूम हुआ है, मगर ये इनामी ज़मीन है। इस इनामी ज़मीन को लोग जो है ले रहे हैं और बेचने वाले बेच रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सर्वे नंबर 129 जो इनामी ज़मीन है टीपू सुल्तान रोड को लगकर, जहां पर जो शर्मा का पानी प्लांट बताया जाता है, शर्मा की बताई जाती है, ये इनामी ज़मीन है। इसका मुतवली जो है ये मदद महाज है, इसकी कोई पैसे फीस भरे हुए नहीं है और ये मदद महाज है, इसको बेचने का काम शुरू हुआ है। इसके विरोध में MIM पार्टी ने इसके निवेदन दिया है कलेक्टर को और महानगर पालिका को कि इस ज़मीन पर जो प्लॉटिंग हो रही है वो रुकाई जाए, अन्य लोगों पे कार्रवाई किए जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो है मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर कब्रिस्तान की मांग होती है। कई दफ़ा ऐसा लोगों ने भी कहा है कि यहाँ कब्रिस्तान बनना चाहिए, मगर कब्रिस्तान के लिए यहाँ पर करबला जाना पड़ता है और महबूब नगर के लोगों को आबेदीन नया आबादी जाना पड़ता है, ईदगाह पर है, दूर रहने के बाद यहाँ पर 13 एकड़ में से कुछ ज़मीन 4 एकड़ कब्रिस्तान को दिए जाए, ऐसी मांग लोगों की हुई थी। मगर MIM पार्टी ने ये जगहों पर प्लॉटिंग नहीं बनना चाहिए, फिरोज लाला ने जो है निवेदन दिया है और उन्होंने बताया है कि अगर से ये प्लॉटिंग नहीं रुकती है और यहाँ पर भू माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती है तो MIM पार्टी कोर्ट में जाएंगी और इन भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेगी। और उन्होंने आज मुख्यमंत्री को, महसूल मंत्री को, अब्दुल सत्तार को भी निवेदन दिया है कि इन भू माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। देखते हैं फिरोज लाला ने इस जमीन के बारे में क्या कहा है। सर्वे नंबर 129 में 2007-06 में कब्रिस्तान के लिए 13 एकड़ 9 घंटे जमीन आरक्षित की गई थी, जिसकी सर्वसभा गृह में 30 लाख रुपए उसके लिए निधि भी दी गई थी। उसके बाद वो नहीं होते भी, वहां पर कुछ भू माफिया प्लॉटिंग निकाल के बेच रहे हैं, इसके लिए आपने महानगर पालिका को निवेदन भी दिया और क्या मांग लेंगे? 7-06-2007 को नांदेड़ महानगर पालिका के अंदर एजेंडे में एक विषय लिया गया है, विषय 1-25 लिया गया है, जिसमें अहम यह है कि सर्वे नंबर 129 इनामी ज़मीन जिसको संपादन करने की बात की गई है। 2007 में
अनुमोदक अली जनाब मरहूम अनवर जावेद साहब और उसके सूचक मकबूल सलीम साहब ने ठराव लिया था। वो 25 ठराव के अंदर ठराव नंबर 9 के अंदर हज हाउस के बांधकाम के लिए 10 लाख रुपए की निधि का उसमें तरतूद थी, वो उसको पारित किया गया था। उसके बाद विषय नंबर 20, ये अहम है, सर्वे नंबर 129 में ये ज़मीन कब्रस्तान के लिए संपादन करना चाहिए, ऐसा पारित भी किया गया, जिसके लिए 30 लाख रुपए महानगर पालिका की जानिब से खर्च भी किया गया। मगर आज वहाँ पर कुछ भूमाफिया प्रशासन को अपने हाथ में रख कर वहाँ पर प्लॉटिंग कर ये बेचने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब, इन तक हमने पोस्ट भी किया है, हमारी कंप्लेन भी की है, और साथ ही कलेक्टर साहब को भी हमने कंप्लेन किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इल्लीगल जो रजिस्ट्री हो रही है उसके ताल्लुक से रजिस्ट्री ऑफिस को भी हमने कंप्लेन की है कि ये कब्रिस्तान की जगह है और इसको भूमाफिया बेच रहे हैं। और उसके साथ ही लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, भूमि अभिलेख को भी हमने एप्लीकेशन किया है कि इसके जो गैर ज़रूरी पीआर कार्ड जो बना रहे हैं उसको ताबड़तोड़ रोकना चाहिए। और महानगर पालिका प्रशासन से को भी हमने ये बताया है कि जो 2007 के अंदर जो ठराव आपने पारित किया था वो ठराव के अनुसार ये ज़मीन जिसके मूल मालक सैयद वहीदुल्ला हुसैनी असगर हुसैनी जो मूल मालक है महबूब नगर के रहने वाले उनको उनके हवाले करना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि महानगर पालिका ने 7/6/2007 को जो एजेंडे में विषय लेकर उस पर लाखों रुपए खर्च किए वो लाखों रुपए कहाँ गए, इसका उन्होंने जवाब भी देना चाहिए महानगर पालिका ने। और जो ज़मीन है ये मुस्लिम दफन भूमि के लिए जो है सो जिसके मूल मालक है उनके हवाले स्वाधीन करना चाहिए, ये हमारी ऐसी मांगनी हमने किए है। और उसके बावजूद भी आज वहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने गुंडों को लगाकर वहाँ पर बलजबरी दादागिरी से जहाँ पर जिसके आज रॉयल्टी पर मुरूम की रॉयल्टी पे बंदी है, मट्टी की पे बंदी है, आज भूमाफिया रात में आकर वहाँ पर बड़े अहवा से वहाँ पर फिलिंग किया जा रहा है। हमारी चैनल के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन को, माननीय जिला अधिकारी साहब हो या पुलिस प्रशासन माननीय SP साहब हो, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उसको रोका जाए, क्योंकि वो ज़मीन ऑलरेडी एजेंडे पे आ गई थी और महानगर पालिका ने उसको जल्द से जल्द ताबे में लेकर और दफन भूमि के लिए इसको बहाल करना चाहिए, ऐसी हमारी उसकी मांगनी है। जिस तरीके से आपने बताया कि 2007 में ठहराव हुआ था जिसमें मंजूरी ये चीज़ लिखी हुई थी तो कब्रिस्तान होना, मगर अभी वहाँ पर वो चीज़ उठाया गया कब्रिस्तान का आरक्षित वहाँ पर नहीं है, इसका पता लगा है कि आपने कि अभी भी आरक्षित कायम है कि नहीं? इनामी तो जमीन है वो, मगर वर्ग दो रहने के बाद उसमें वो आरक्षित है क्या? हमारे पास पिछले कई महीनों से हमने कुछ लोगों को हमारे जिम्मेदार माशरे के जिम्मेदारों को लगाकर RTI के ज़रिए हम लोग उसकी माहिती मांगी है, माहिती के पेपर आपके सामने हैं, इसमें भी कुछ चीटिंग की जा रही है। मगर ये जब ज़मीन जब एजेंडे पे आती है महानगर पालिका के जो 1/25 जब प्रपोजल पास होते हैं विषय, जिसके अंदर सबसे पहले है कि पहला प्रश्न ये है कि हिंगोली नाके पे शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी के पुतले का, वो तो आ गया, बाकी के 25 जो विषय है 25 में से 23 विषय आ जाते हैं और ये दो विषय प्रलंबित रहते, तो ये क्या समझना चाहिए? यानी कि कहीं ना कहीं ये पार्सलिटी ये भेदभाव का माहौल किया जा रहा है, इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहन करने वाली नहीं, बर्दाश्त करने वाली नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से
वक्फ कमेटी के मेंबर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब को भी इस विषय पे हम मिलेंगे, और साथ ही अल्पसंख्यक मंत्री उनसे भी हम जाकर मिलेंगे, हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा। क्योंकि आज ये जो सवाल है, जो प्रश्न है, ये ज्वलंत है। क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर आप देखा जाए तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, और उन्हीं लोगों को देखते हुए, तादाद को देखते हुए महानगर पालिका ने इसको आरक्षित किया था कब्रिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कब्रिस्तान नहीं है, सिर्फ एक ही कब्रिस्तान है ईदगाह का। तो इसको देखते ही महानगर पालिका ने जब ये अनुमोदक और ये सूचक, क्या ये गलत है? यानी कि ये जब सही है तो यहाँ पर मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जगह, ये कब्रिस्तान के लिए जगह मिलनी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पर आप बताइए कि भाई वो माफिया ने कब्जा किया, ऐसा भी है कि कईयों के रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री होने के बाद लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, और वहाँ पर रजिस्ट्री होने के बाद इनको किस बेस पे रजिस्ट्री करेंगे, जो कि वर्क वो इनामी जमीन है, भले वो मदद महाज हो या खिदमत महाज हो, वो किस तरीके से उन्होंने बेचे गए, तो वो रजिस्टर पे और वो लेने वाले पे और बेचने वालों पे की मांग नहीं, ये मैं यही बता रहा हूँ, जो भू माफियाओं का जो भोंगड़ कारोबार है, नंगनाज है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को और वहाँ के कुछ जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको पकड़ के चीटिंग का काम किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी चौकशी माननीय जिलाधिकारी साहब ने इसकी जेड चौकशी लगाना चाहिए, इसको जेड प्रकरण में चौकशी लगाना चाहिए। इसमें दोषी जो अधिकारी है जिन्होंने हेर फेर किया है, और जो भू माफिया है जिन्होंने साटे लोटे जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ करके जो ये गैर जरूरी काम किए, उन पे भी कार्रवाई करना चाहिए और उन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसी हमारी मांगनी है। नहीं होती तो क्या करेंगे? नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको आह्वान देने के लिए, चैलेंज करने के लिए तैयार है। कल हमारे पास का एक शिष्टमंडल वहाँ पर स्पॉट पे जाएगा, देखेंगे, उसके बाद हम इसमें जो तज्ञ है, जो वकील से, जो उकला हजरात है, हमने उनसे भी डिस्कशन किया है। अगर यहाँ पर हमको इंसाफ अगर नहीं देता एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम इसको आह्वान देने के लिए, चैलेंज करने के लिए कोर्ट में जाने की हमारी तैयारी है।